देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर, इस सेशन में हम आपको आज अगेन वही चैप्टर रिवीजन कराने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन 44। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको सेक्शन 44 के बारे में बताया था, लेकिन वो सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है तो हमने सोचा कि एक बार उसके रिकैप कर लें और उसके बाद हम आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करना दिखाएंगे। तो चलिए एक बार हम रिकैप करते हैं सेक्शन 44 ए सेक्शन 44 को और उसके अंदर जितने भी प्रोविज़न हैं वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में याद होगा मैंने आपको जब इस सेक्शन को स्टार्ट कराया था तभी बोला था कि सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप एडवोकेट हो, या फिर कोई भी जो अकाउंटिंग लाइन से बिलोंग करता है उसके लिए सेक्शन 44 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेट 5 सेक्शन पढ़ने हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, और हमने अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो भी बनाई थी उसमें, जिसमें हमने सेक्शन 44AA बताया था, सेक्शन 44AB बताया था, सेक्शन 44AD बताया था, सेक्शन 44AdA बताया था और सेक्शन 44AE ही बताया था। ठीक है, जिसके अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला था सेक्शन 44AA, जिसमें कंपलसरी मेंटेनेंस बुक ऑफ अकाउंट मैंने बताया था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। फिर मैंने सेक्शन 44AB बताया था टैक्स ऑडिट की, टैक्स ऑडिट करना भी कंपलसरी है, और सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AdA और सेक्शन 44AE, और ये बात करता है डीम इनकम और प्रेजेंटिव इनकम। ठीक है, जिसमें आपको मैंने सेक्शन 44A के अंदर बताया था कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप क्या करते हो, कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस जो बताई गई लिस्ट के अंदर आता है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी। सबसे पहले आप इसको दो पार्टों में बांटोगे, सर्टेन कंडीशन और बाकी यहाँ क्या लिखोगे अदर कंडीशन। यहाँ क्या लिखोगे सर्टेन कंडीशन और क्या लिखोगे यहाँ पर अदर कंडीशन, जिसमें आपका पहला आता है लीगल, दूसरा मेडिकल, तीसरा आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, चौथा अकाउंटेंसी, फिफ्थ आपका टेक्निकल कंसल्टेंसी, सिक्स आपका इंटीरियर डेकोरेशन और अदर अदर नोटिफाई प्रोफेशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे। इनको डॉक्यूमेंट एज पर रूल 6FS में भी अनेबल द ए ओ टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम, जिसमें आपको एक बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जो रूल्स 6F के अंदर दे रखी है, जिसमें कैश बुक, जर्नल, लेजर और साथ साथ कार्बन कॉपी भी लगानी, लेकिन वैल्यू कितने से नीचे होनी चाहिए 25 रुपये से नीचे तो आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको डेली बेस पे केस रजिस्टर मेंटेन करने और साथ साथ ड्रग लाइसेंस की इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, कितनी इन्वेंट्री आ रही हो कितनी जा रही। इंपॉर्टेंट नोट्स, इफ द अबव बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, क्या कह रहा है कि बुक मेंटेन कब करना है, जब आपका लास्ट तीनों ईयर का क्या ग्रॉस रिसिप्ट कितने से ज़्यादा हो, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तो आप, मैंने सम की बात नहीं करी, क्लियर है, मैंने एवरेज की बात नहीं करी, मैंने सेपरेटली तीनों सालों में अगर आपका कितना ज़्यादा है 1.5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। लेकिन इफ़ द न्यू प्रोफेशन इज सेटअप, अगर आपका क्या हो रहा है नया बिजनेस सेटअप हो रहा है तो उस केस के अंदर आपको ये सोच के चलना है फर्स्ट अप्रैल से, क्या मैं 1.5 लाख से ज़्यादा कमा सकता हूँ या 1.5 लाख से मुझे ज़्यादा रिसीव हो सकती है, अगर हो सकती है तो आपको उस दिन से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। के लिए मैंने ये बताया भी था कि अगर आप 1 अप्रैल को आओ सोचो कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी, नहीं, आपको उसी दिन सोचना होगा जिस दिन आप नेक्स्ट ईयर में आओगे 1 अप्रैल को ये डिसीजन लेना है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तुमने 1 अप्रैल को बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं करे, 31 मार्च को आके कहते हो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कंपलसरी था, और दांत दिखाने लगो तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई दांत दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपको हर अप्रैल को 1 तारीख को सोचना है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या नहीं करनी है। क्लियर है, इसके बाद ये बात मैंने आपको समय बता दी थी। फिर मैंने सेक्शन 44A की बात कही थी, बुक्स ऑफ अकाउंट अदर या फिर अदर पर्सन के लिए बोल रहा था गवर्नमेंट मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय अदर इन द केस ऑफ एनी एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन द बुक्स ऑफ प्रोफेशन ऑन बिजनेस और प्रोफेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन हैज एक्सीड ₹2.5 लाख इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और इज लाइकली टू बी एक्सीड ₹2.5 लाख ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन इफ टर्न ओवर और सेल हैज एक्सीड ₹25 लाख इन एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर और इज लाइकली टू बी एक्सीड 25 लाख ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन।
पहला इनकम या तो 2.5 लाख से ऊपर हो जाए या दूसरा टर्नओवर 25 लाख से ऊपर हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कंपलसरी करना होगा। अगर कोई पर्सन सेक्शन 44AD के अंदर आता हो जो अपनी 8% से कम शो करता है उसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट करना मेंटेन करना कंपलसरी है। कोई सेक्शन 44AE के अंदर आता है जो जो बात करता है ट्रांसपोर्टर की जिसको 7,500 रुपये से बोला अगर उससे नीचे करता है तो उसे कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। ऐसे सेक्शन 44B बात करता है, ऐसे सेक्शन 44BB बात करता है। यहाँ लिखा है एंड SSC हैज क्लेम इज इनकम टू बी लोअर देन द इनकम प्रिस्क्राइब इन दोज प्रोविजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या करते हैं जो इससे कम शो करते हैं उसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी। फिर यहाँ बताया कि अगर तुम किसी साल के लिखा वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD क्लोज 4 आर एप्लीकेबल एंड हिज इनकम एक्सीड टू द मैक्सिमम और नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन एनी ईयर। अगर किसी भी साल तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई ठीक है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट करना मेंटेन नहीं कंपलसरी हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ मैंने आपको याद होगा मैंने एक्सेप्ट शीट के थ्रू समझाया था कि किसी साल आपने अपनी इनकम 8% शो कर दी तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करना, लेकिन किसी साल आपने इनकम अपनी बुक्स अकाउंट 5% शो करी तो उसके आने वाले 5 साल जितने भी होंगे उसमें सबको आपको बेनिफिट नहीं रख सकते और उसके अंदर आपको सेक्शन 44A को फॉलो करना है, सेक्शन साथ साथ 44AB को भी फॉलो करना है। क्लियर। इसके बाद हमने बात की थी अदर के अंदर, मैंने बता दी यहाँ पर 2.5 लाख, यहाँ पर 25 लाख, और अगर आप इससे कम पर लोग करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी। 44AD बात करता है स्मॉल बिजनेस की, 44AE बात करता है गुड्स कैरिज की जो अप टू 10 ट्रक तक की बात करता है, 44AD बात करता है प्रोफेशनल की, सेक्शन 44BB बात करता है नॉन एक्सप्लोरेशन जो तेल ढूंढने का काम करते हैं, सेक्शन 40BBB किसकी बात करता है टैंकी पावर प्रोजेक्ट की बात करता है। और इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट भी समझाया था बुक ऑफ अकाउंट जिसमें सर्टेन प्रोफेशन थे अगर 3 सालों में आपका क्या होना चाहिए 1.5 लाख से ऊपर की ग्रोथ रिसीव होनी चाहिए, और अदर के लिए 3 सालों में या तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो या फिर आपका टर्नओवर ऊपर 25 लाख से ऊपर हो। अगर आप सेक्शन 44AD को, सेक्शन 44AE को, सेक्शन 44BB को, सेक्शन 44BB को कम दिखाते हो तो भी आपको इसके अंदर आना हो कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। सेक्शन 44AD बात कर रहा था बड़ी मछली की या बड़े व्यापारी की जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। किससे होता है 1 करोड़ से ज़्यादा होता है अगर वो कुछ गुड्स बेचते हो, लेकिन अगर आप क्या हो प्रोफेशनल हो तो उस केस में आपका टर्नओवर कितना 25 लाख से कम है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम भी है पर अगर आप पॉजिटिव इनकम में थे और उससे कम पर शो करते हो जो गवर्नमेंट ने वहाँ बताया तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। क्लियर। यहाँ मैंने बोला लोअर का मतलब कितना 8% या 6% से कम दिखा दो, 8% या 6% से कम दिखा दो। 8% तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए, 6% होता है अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं। एंड हिज इनकम एक्सीड टू मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स देन, अगर इनकम क्या होनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ही शेल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय द CA ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। ये क्या करना है, एक डेट बताइए आप सभी को बताइए, डेट होती है 30 सितंबर ऑडिट केस में, उस डेट तक आपको करना है। अगर आप नहीं करते तो सेक्शन 241B के हिसाब से आपका जितना टर्नओवर होगा उसका 0.5% या फिर 1.5 लाख जो दोनों में से कम हो। क्लियर है, तो आपके ऊपर उसकी पेनल्टी लगेगी अगर आपने सेक्शन फॉलो नहीं करा। कितना बोला मैंने 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख जो पीछे वाइज लोअर। क्लियर है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया ऊपर लिखा था मेरी टर्नओवर कितना है 60 लाख, मेरी इनकम कितनी है 3 लाख, और अगर मैं मैक्सिमम 8% निकाल दूँ कितना है 4 लाख। पहले तो मैं टैक्स की माफ़ी कब तक थी 2.5 लाख तक, लेकिन इनकम कितनी करता हूँ 16 लाख, तो मुझे टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी। सेक्शन 44A के हिसाब से टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़, लेकिन सेक्शन 44AD के हिसाब से लिमिट कितनी हो जाती है 2 करोड़। डज नॉट इंक्लूड कंपनी LLP, ये किस पर अप्लाई नहीं होता, 2 करोड़ वाली कंपनी पर और LLP पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 40AD इफ एनी पर्सन नॉट फॉलो सेक्शन 44AD देन लिमिट 1 करोड़। अगर कोई पर्सन जो सेक्शन 40AD को नहीं फॉलो करता उसकी लिमिट कितनी है 1 करोड़। कितनी है 1 करोड़। सेक्शन 44AD जो बात करता है छोटे लोगों को बेनिफिट देता है जिसमें उसका भी टाइम बचा और साथ साथ गवर्नमेंट का भी बचा। गवर्नमेंट ने कहा आपको एक प्रिस्क्राइब लिमिट के हिसाब से टैक्स दे देना है, अगर आप देते हो तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप चीज़ों को इग्नोर कर देना, सेक्शन 28 से लेकर 43 तक के प्रोविज़न को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना। इसके अंदर बेनिफिट किसको मिलेगा, एलिजिबल SSC को मिलेगा। क्या होना चाहिए उसका, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए,
और साथ साथ अगर वो अपने इनकम का 8% या 6% शो करता है, तो उस केस के अंदर आपको इस सेक्शन में आप कवर हो सकते, क्या हो सकते हैं आप सेक्शन में कवर हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है और अ सम हायर देन, अगर 8% से ज़्यादा दिखाया जाए तो गवर्नमेंट तुम्हें मना नहीं, क्या गवर्नमेंट मना करेगी आपको कि मत दिखा सकते, गवर्नमेंट मना नहीं करेगी। और अ सम हायर देन क्लेम टू बी हैव बीन अर्न बाय द एलिजिबल SSC, ठीक है, शेल बी डीम टू बी इन द इनकम अंडर सेक्शन PG, तुम्हारी क्या मान ली जाएगी PGBP की इनकम मान ली जाएगी। एलिजिबल SSC के अंदर कौन कौन आते हैं, आर रेजिडेंशियल, आर रेजिडेंस, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनर, डज नॉट अप्लाई LLP और कंपनी, और वो लोग जिसने किसका डिडक्शन ना लिया हो, ट्रस्ट एंड टेन ए का ना लिया हो, और सेक्शन 80 IA I2 80 RRB का बेनिफिट नहीं लिया। एलिजिबल बिजनेस कौन होता है, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिज एज पर सेक्शन 44A। जो सेक्शन 44A के हिसाब से आता है उसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाए, ठीक है। और कोई पर्सन जिसका टर्नओवर कितने ज़्यादा हो, 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसको भी बेनिफिट ये नहीं मिलेगा। और ये सेक्शन किस किस पर अप्लाई नहीं होता, उस पर प्रोफेशनल पर अप्लाई नहीं होता जो सेक्शन 44A के अंदर आते हैं, ठीक है। किस पर अप्लाई नहीं होगा, जो कमिश्नर ब्रोकरेज पर काम करते हैं उसका नहीं आएगा। कोई एनी एजेंसी जो किसके अंदर आती है, एजेंसी बिजनेस का काम करती है, उसको नहीं मिलेगा। और साथ साथ आप ये मान लोगे कि आपको 30 से 38 तक का बेनिफिट हमने दे दिया और किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं लोगे। साथ साथ डेप्रिसिएशन भी आप उस तरीके से कैलकुलेट करोगे जैसे आप नॉर्मल करते हो, लेकिन ये अज्यूम कर लोगे कि आपको डेप्रिसिएशन मिल गया जैसे मिलना चाहिए था, ठीक है, समझ आ गया। इंपॉर्टेंट नोट्स, वही बात लिखी है कि अगर आप सेक्शन 44AD को अडॉप्ट करते हो तो आपको अपना टैक्स एक ही बार में जमा कराना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं जमा कराना, क्योंकि आप सभी जानते हैं एडवांस उन बंदे को देना होता है जिसका टैक्स की जो लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है, वो 4 साल में 4 बार देता है, 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च को देता है। लेकिन इस केस में अगर आप क्या हो, सेक्शन 44AD को लेते हो, तो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं देनी, एक ही बार में 15 मार्च को सारे पैसे की पेमेंट कर देनी है, क्लियर। इसके बाद सेक्शन 44AD बताता है कि अगर किसी साल आपने इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करा तो आने वाले नेक्स्ट 5 साल होंगे उसमें उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। और साथ साथ आपको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, और साथ साथ क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्लियर। सेक्शन 44AD किसकी बात करता, सेक्शन 44AE किसकी बात करता है, ट्रांसपोर्टर ऑपरेशन बिजनेस की बात करता है, कि अगर कोई आप गुड्स कैरिज का काम करते हो तो आपको अपने कितने से हर व्हीकल का 7,500 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ द पे करना है, लेकिन ये कंडीशन उनके लिए ही है जो छोटे ट्रांसपोर्टर जिनका व्हीकल 10 व्हीकल से कम है। अगर किसी भी फाइनेंशियली आपका व्हीकल 10 से ज़्यादा हो जाए तो आपको सेक्शन 44A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर। दूसरा, अगर आप हायर दिखाना चाहते हो तो गवर्नमेंट को इसका कोई भी इशू नहीं है, आप 7,500 से ज़्यादा भी दिखा सकते हो, गवर्नमेंट से मना नहीं करेगी। साथ साथ गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करते हो, NSSC हु इज पोजेशन ऑफ आ गुड्स, क्या है किसी की पोजेशन है, पोजेशन मतलब होता है अधिकार होना, गुड्स कैरिज वेदर टेकन ऑन हायर, अगर आप चाहें उस आपने हायर हायर परचेज पे लिया हो या आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हो, एंड फॉर विच द होल और पार्ट अमाउंट पे इज स्टिल ड्यू शेल बी डीम टू बी द ओनर ऑफ सच गुड्स और कैरिज, आपको उस दिन से मान लिया जाएगा आपने क्या करा है उस गुड्स को यूज़ करा। अब इसके अंदर एक बात याद, गुड्स खड़ा है या नहीं चल रहा, वो गवर्नमेंट का उसका इंटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा गुड्स तुम्हारे नाम से चले या ना चले हमें हर महीने के हिसाब से 7,500 रुपये आपसे टैक्स लेना है। कंसिक्वेंस आप वही बात याद रखनी कि आपको मान के चलो कि 30 से 38 तक का बेनिफिट मिल गया, उसके साथ आप यही फॉलो करोगे कि आपने अदर प्रोविज़न का या डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले लिया, क्लियर। साथ साथ अगर आप इस सेक्शन को अप्लाई नहीं करते तो आने वाले 5 सालों तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और साथ साथ आपको सेक्शन 44A और सेक्शन 44AB को भी क्या करना है, फॉलो करना है, क्लियर है। और साथ साथ ये बात इंपॉर्टेंट थी, द इनकम कंप्यूट अंडर सेक्शन 44A आर सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ पार्टनर रिमुनेशन अंडर सेक्शन 40B। क्या मान लोगे आप इसे, क्या मान लेना कि जो सेक्शन 44B के अंदर जो बेनिफिट दिया जाता है पार्टनर्स को वो भी इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा, उसका भी बेनिफिट आपको अलग से नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 44AD, किसकी बात आती है, सेक्शन 44AD की, जो बात करता है प्रोफेशनल की। आप जानते हैं प्रोफेशनल के केस में इनकम ज़्यादा होती है कंपैरिजन ऑफ
अदर पर्सन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल नहीं लगता, क्या नहीं लगता, मटेरियल लगता। और जो मटेरियल काम करता है तो उसमें कॉस्ट मशीनरी की ज़्यादा होती है और प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते जो किससे रिलेट करता है, प्रोफेशन से रिलेट करता है, जो किसके अंदर रेफर है, सेक्शन 44A के अंदर रेफर है, तो तुम्हारी अगर इनकम 50, जो तुम्हारी ग्रॉस रिसीव 50 लाख से कम है, तो अपनी इनकम का 50% तो प्रॉफिट मांग लो। क्या मान लो तुम? प्रॉफिट मान लो। क्या मान लो तुम? प्रॉफिट मान लो। और आप इस सेक्शन के अंदर रह सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा है तो आपको सेक्शन 44A को फॉलो करना है और साथ साथ सेक्शन 44AB को फॉलो करते हुए टैक्स ऑडिट कराना। साथ साथ आप ये मान लो कि वही कंसिक्वेंसेज हैं कि आपको 30-38 तक का बेनिफिट मिल गया, साथ साथ आपको जैसे डेप्रिसिएशन मिलता था वैसा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और जिस साल आप इस लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी और साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। फिर बात करता है कि इसका सेक्शन 44A का, जो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई थी। सबसे पहले मैंने इसे दो पार्ट में बांटे थे, सर्टेन प्रोफेशन तो मैंने आपको बताए थे, फिर मैंने आपको अदर बताए थे जिसमें आपकी 2.5 लाख तक इनकम और सेल 25 लाख तक, और अगर आप सेक्शन 44 की AD के रूल को फॉलो नहीं करते तो उस केस के अंदर आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। साथ साथ सेक्शन 44A भी बताता है कि आपका टर्नओवर कितने ज़्यादा होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख, और अगर आप सेक्शन 44AD को फॉलो नहीं करते तो अब भी आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ साथ टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है, नॉट स्टैंडिंग विद सेक्शन 28-43 आप सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, एलिजिबल SSC होना चाहिए, और कितना मिनिमम 8% और मोर अगर आप शो करना चाहो तो कर सकते हो। और जिस साल आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया तो आने वाले जितने भी साल होंगे साल नहीं ले सकते। क्लियर है? सेक्शन 44A की इसकी बात करता है ट्रांसपोर्टर की। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो अगर आपका व्हीकल लो स्मॉल है, मतलब क्या है, छोटा है, तो 7,500 पर मंथ दे दो। लेकिन अगर आपका व्हीकल हैवी है, जिसकी लिमिट कितनी है 12,000 किलो से ज़्यादा है, तो आपको पर टन 1,000 रुपीज़ देना होगा। अगर आप मोर देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। फाइनेंशियली इस साल से अमेंडमेंट आया जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 44AD बात करता है, जो किसकी बात करता है, ओनली प्रोफेशनल की बात करता है, जो रेफर्ड है सेक्शन 44A के अंदर। ठीक है, और इसको आपको 50% अपनी क्या मान लेनी है, डीम इनकम मान लेनी है। क्या मान लेनी है आपको? डीम इनकम मान लेनी है। इसके बाद मैंने आपको सेक्शन 44AD का बारे में बताया कि अगर आप किसी साल सेक्शन 44AD को अडॉप्ट करते हैं तो उसके आने वाले 5 साल तक इस सेक्शन को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप किसी साल लॉ का वायलेशन कर देते हो तो नेक्स्ट 5 सालों तक, आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में आपको सेक्शन 44A का इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और साथ साथ आपको सेक्शन 44A में जाना है और साथ साथ सेक्शन 44AB के अंदर जाकर टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। ये आज की जो क्लास थी हमारी वो रिवीजन क्लास थी, और देखो लास्ट क्लास जो हुई थी वो 1 घंटे की हुई थी, और ये पूरा टॉपिक अप्रॉक्सीमेट 10 या 15 मिनट में कवर हो गया। क्योंकि जब बात आती है रिवीजन की तो थोड़ी चीज़ें जल्दी होती हैं और हमें रिकैप कराना होता है। क्लियर? अब जब हम कल आएंगे आपके साथ तो उस सेक्शन में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आपको लाइव ITR फाइल करना भी सिखाएंगे।